दिया तो क्या चल रहा है आजकल। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर, आपकी मनीषा रानी। अलग ही लेवल की चीज हुई है जो आप लोग ना कभी सोच भी सकते हो ना मैंने कभी सोचा था ऐसा कुछ। पहले आप लोगों को बता देता हूँ हुआ क्या है। हम लोग हमारे फ्रेंड के CWL क्लैन में खेल रहे हैं, जहाँ पे चैंपियन लीग 2 के अंदर क्लैन है, उसको हमको करना है चैंपियन लीग 1। पहले 6 के 6 मैचेस हम लोगों ने जीत लिए। अभी जो 7वीं मैच होने वाली है वो उस क्लैन के साथ होने वाली है जो रैंक 1 पे बैठा है ऑलरेडी, और हम लोग है रैंक 2 पे। और उस क्लैन ने हर मैच के अंदर हमसे ज्यादा स्टार्स मारे हैं, मतलब उसने भी एक भी मैच नहीं हारा है, ना ही हम लोगों ने भी एक भी मैच हारा है। अभी आखिरी मैच हम दोनों के बीच होने वाली है रैंक 1 के लिए, फिर जो जीतेगा वो चैंप 1 में चला जाएगा। तो भाई आज की वीडियो का पहला अटैक माइटी असासिन की तरफ से, लेट्स सी। माइटी असासिन गाइज यहाँ पे कर रहा है भाई सुपर बार्बेरियन, सुपर आर्चर। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया इसको। तो धक्का मारेगा, मारेगा लगा ही था, पहला धक्का मार दिया, लेकिन उसके बावजूद ब्लिंप को पहुंचा दिया है भाई अपनी मंजिल तक। टाउन हॉल मिलना बहुत जरूरी है भाई, अगर टाउन हॉल नहीं मिलता है तो भाई काफी दिक्कत हो जाएगी। मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए, सुपर आर्चर्स काफी अच्छी क्लोन हुई है। चलो चलो चलो, अरे यार एक्सबो मिलेगा क्या, नहीं मिल पाया यार। ऊपर वाला एक्सबो मिलना था, नीचे वाला स्कैटर मिलेगा क्या, मिलना चाहिए भाई स्कैटर। निकालो निकालो, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या तो ही वैल्यू निकाली है भाई, क्या बोलूं मैं अभी। ओके, एक लेवल 1 का अप्रेंटिस वार्डन यूज कर रहा है भाई, कोई मतलब नहीं है यार इसका, मतलब उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेवल 4 से पड़ता है भाई फर्क, क्योंकि यार 30% हेल्थ मतलब थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, और लेवल 1 का हिट पॉइंट भी कम है, थोड़ा जल्दी भी मर जाता है। इलेक्ट्रोडाइटन देखो कैसा दिक्कत दे रही है। चलो सुपर बार्बेरियन के साथ गाइस यहाँ पे क्लीनअप भी कर रहा है अर्ली, काफी अच्छी बात है। खुद सुपर बार्बेरियन को डिप्लॉय करा है डायरेक्ट ईगल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आर्चर क्वीन गलत जा रही है और गोलम को यूज करा है यहाँ पे आर्चर क्वीन को टैंक करने के लिए। काफी अच्छा डिसीजन था भाई ये वाला, क्या बात है भाई, आर्मी स्प्रेड हो चुकी है आधी लेफ्ट में आधी राइट में। सुपर बार्बेरियन से रॉयल चैंपियन अभी तक बचा के रखिए, पता नहीं कहां पे डालेगा भाई साहब। यहां पे रॉयल चैंपियन क्लच कर सकती है, मल्टी के पास यार काफी सारी दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि काफी हेवी डैमेज रखा हुआ है वहां पे। पॉइजन स्पेल टावर भी, एनिमी का बार्बेरियन किंग है, स्केलेटन्स भी निकलेंगे निकलेंगे भाई पक्का। हेड हंटर डिप्लॉय कर दिया बार्बेरियन किंग के ऊपर, रॉयल चैंपियन कहां से आएगी, कहां से या स्वैग करेगा। आ गई आ गई, रॉयल चैंपियन आ गई, स्केलेटन ट्रैप्स निकल चुके हैं भाई, स्केलेटन ट्रैप दिमाग का दही कर देते हैं। वो तो सही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोडाइटन जिंदा थी भाई, इलेक्ट्रोडाइटन ने निपटा दिया सारे स्केलेटन को। रॉयल चैंपियन खत्म है गाइस, अरे आइस गोलम देव कब जाके फटाए भाई, हद हो गई यार। तो भाई साहब हमारी साइड से यहाँ पे माइटी असासिन ने निकाल दिया है ट्रिपल इस वाले बेस के ऊपर, मजा आ गया क्या, ही तो वैल्यू निकाली भाई सुपर आर्चर ब्लिम के साथ। स्कोर देख लो भाई, मजा आ जाएगा, 6 अटैक के अंदर 17 स्टार, मतलब सिर्फ 1 अटैक फेल हुआ है। तो भाई साहब हमारी साइड से यहाँ पे 7th अटैक आ चुका है मानस की तरफ से, आओ भाई देखते हैं मानस का अटैक। तो मानस यहाँ पे क्या कर रहा है, ओ भाई साहब ये गलती कैसे कर सकता है भाई, ये क्लैन पागल है, पागल हो गया है भाई ये बंदा। भाई साहब इन लोगों ने इस बेस के साथ पिछले सारे के सारे मैचेस कैसे जीते मेरे को समझ नहीं आया, ये क्लैन रैंक 1 पे बैठा है भाई, हद हो गई यार, ऐसा बेस क्यों लगाया भाई, या गलती से लग गया भाई, ये क्या है, गलत सीन है भाई, ये कैसे हो सकता है यार, या जानबूझ के लगाया भाई इसने, या गलती से लग गया, या कुछ सीन हो गया भाई। इन लोगों ने पिछले 6 के 6 मैचेस जीते और 7वें मैच में ये क्या कर दिया इसने, इसकी माँ का, ये क्या हो रहा है भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, ये इसने लगाया क्यों ये बेस भाई। मानस तो मार देगा इसको ट्रिपल, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, कर लो बात भाई, कुछ अलग ही लेवल की चीज हुई है भाई। ऐसे तो भाई 7 में 20 हो जाएंगे हमारे, मतलब 1 ही अटैक फेल। What is this यार, खत्म है गाइस ये बेस, अभी क्या क्या बोलूं इसके अंदर, क्या क्या बचा है भाई बताओ। टाउन हॉल लिस्ट ने निकाल लिया, इलेक्ट्रो ड्रैगन ने पूरा बेस उखाड़ दिया, हीरोज को डाला है क्लीनअप के लिए, रॉयल चैंपियन को देखो फिर भी कहां उतारा है, और वहां पे सारे के सारे स्केलेटन ट्रैप्स निकल गए।
अरे भाई साहब, गलत लेवल का अटैक हो गया ये तो, गलत लेवल बेस पे। अरे यार भाई साहब, अभी तो हमको भी अटैक करना है यार, और दूसरे बंदों को भी अटैक करना है, ये क्या है भाई? यार मेरे को सबसे पहले बेस मार्क कर लेना चाहिए था ये वाला, तो मजा आता शायद मेरे को। अबे यार चल सही है, 7 अटैक के अंदर 20 स्टार। अगर हम लोगों ने इस क्लैन को हरा दिया गाइस, ये क्लैन गायब हो जाएगा, कैंप 1 में नहीं जा पाएगा, हम लोग चले जाएंगे। और अभी काफी अच्छा स्कोर चल रहा है भाई हमारी टीम का, 7 अटैक में 20 स्टार, मतलब लिटरली 6 ट्रिपल मारे बंदों ने, बंदे बौखला गए भाई। क्या करना क्या चाह रहे हो यार? ले गाइस ये हो गया ट्रिपल, यहाँ पे मजा आ गया भाई साहब। और भाई इसी के साथ स्कोर हो जाता है हमारा 7 में 20। तो भाई मन्ना भी आ चुका है अटैक के लिए, मन्ना अटैक कर रहा है। अबे देखो इस बंदे का कितना खतरनाक सा बेस है ना, और मन्ना यहाँ पे कर रहा है भाई। अरे यार मन्ना की तो भाई ये मतलब लेजेंडरी आर्मी है, और मन्ना भी लेजेंड है, कैसे कर लेता है भाई इस आर्मी के साथ अटैक। सबसे पहले टाउन हॉल खाता है सेफली, टाउन हॉल मिल गया, 1 स्टार सेव कर लिया, उसको अब पता है कि 2 स्टार तो होने ही वाला है, बस इसको 3 स्टार में कन्वर्ट करो। ये काफी अच्छी बात है भाई मन्ना की, पहले भाई टाउन हॉल सेव कर लो, मतलब 2 स्टार सेव कर लो पहले, उसके बाद देखा जाएगा 3 स्टार का। तो फिलहाल मन्ना कर रहा है क्वीन चार्ज, क्वीन को लेके कहाँ जाएगा भाई? स्कैटर, मेरे को तो नहीं लग रहा स्कैटर में लेके जाना चाह रहा है, ईगल में लेके जाएगा क्या? हाँ अरे 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 भाई, ये कैसी क्वीन है भाई, हद हो गई यार। मतलब ईगल में जाना था इसको, स्कैटर में आ रही है भाई, मतलब वहां तक जाके यहाँ आ गई भाई। 8 सुपर हॉग राइडर लिए मन्ना ने और 13 हॉक्स लिए हैं, और क्लीनअप के नाम पे क्या लिया है यहाँ पे 2 विजर्ड लिए भाई सिर्फ इसने, भाई गलत लेवल। ओके बार्बेरियन किंग को भी मन्ना ने यहाँ पे उतार दिया, रेड स्पेल को डिप्लॉय कर दिया क्वीन के ऊपर, दैट्स नाइस। क्या बात है क्या बात है, वॉल ब्रेकर कहाँ जा रहा है भाई, गलत चला जाएगा। नहीं सही वॉल ब्रेक करिए भाई, बस क्वीन अगर अंदर आ जाती ईगल भी मिल जाएगा क्वीन को, और काफी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। सारे के सारे हॉग राइडर सुपर हॉग डिप्लॉय करके सब कुछ डिप्लॉय कर दिया। अरे बाप रे, टोर्नेडो इधर ही रखा हुआ है गाइस। ले भाई क्वीन आ गई अंदर की साइड पे, मोनलिथ मोनलिथ मार देगा भाई, बचा लिया भाई क्वीन की एबिलिटी दे के मेरे को लगा फाड़ देगा अभी मोनलिथ क्वीन की, लेकिन बच गई भाई क्वीन। गाइस काफी सारे सुपर हॉक्स यहाँ पे, हॉग राइडर बच चुके, लेकिन यार यहाँ पे हील चाहिए था भाई, हील है ही नहीं यार, बिना हील के हॉक्स कैसे सरवाइव करेंगे? पॉइजन स्पेल टावर अलग से भाई वहां पे। अबे यार क्वीन को बचा भाई मन्ना, बचा लिया, मरने वाली थी भाई क्वीन अभी। अबे पॉइजन स्पेल टावर ने अपना पॉइजन गिरा दिया यार, हॉक्स किल काफी कम कर दिया और स्लो डाउन कर दिया काफी ज्यादा वहां पे। आरसी पे एबिलिटी है क्या, ये ट्रिपल हो सकता है क्या? मल्टी बच चुका यार, मल्टी ने सारे हॉक्स को खत्म कर दिया, धैत तिचा आयला, क्या हो गया भाई ये? नो 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 मैन, आरसी मार देगी क्लच, मार दिया खत्म है। अरे मन्ना मेरी जान, मार दिया ट्रिपल, बताओ गाइस तगड़ा बेस था, मन्ना ने खत्म कर दिया इस बेस को। क्वीन अब भी जिंदा है भाई, अभी भी जिंदा है, और क्वीन के पीछे सारी लर जिंदा है अभी भी, और चारों हीरो जिंदा है भाई, सबसे बड़ी बात चारों हीरो जिंदा है। ले गया भाई मन्ना, ले गया इस बेस को नेक्स्ट लेवल गाइस, मजा आ गया। बाप रे ओपी, हम लोग तो सोच रहे थे कि यार ये लोग मारेंगे, अभी मारना चालू करेंगे, 3-4 अटैक मारेंगे, थोड़ा टारगेट देंगे। भाई साहब मैं क्या देख रहा हूँ, ये नंबर 6 का बेस देखो भाई, इन लोगों ने क्या कर रखा है कांड, ये देखो अभी मानस ने थोड़ी देर पहले इस बेस के ऊपर अटैक करा हुआ है। मेरा तो दिमाग घूम गया भाई बेस देख के, मैं बोला ये क्या चल गया रहा है भाई, ये लोग अटैक भी नहीं कर रहे, ऊपर से ऐसे वाले बेसिस लगा रखे इनने भाई, ऐसे बेसिस को तो हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। आओ भाई तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीसी को डाउन करेंगे, क्योंकि सीसी के अंदर तो ट्रूप्स हैं इनके, टाउन को भी डाउन कर लेंगे यहां से। ओके हो जा, अरे बाप रे थैंक गॉड एक्स्ट्रा स्नीकी गॉब्लिंस लेके आया था मैं। उसके बाद बलून डालेंगे, ब्लिम्प को डालेंगे, इधर से अपने को चाहिए सुपर आर्चर ब्लिम्प वैल्यू वैल्यू देखो भाई क्या बोलू अभी मैं आप लोगों को यार, भाई ये क्लैन हल्के में हम लोगों को इतना कैसे ले सकता है, पता नहीं भाई क्या क्या कर क्या रहा है भाई ये क्लैन, ऐसे बेसिस सेट करने का मतलब क्या है, बौखला गया ये क्लैन या कुछ हुआ है भाई?
भाई पता नहीं कुछ अलग ही सीन हुआ है भाई इनके साथ। एक तो इन लोगों ने हर मैच के अंदर हम लोगों से ज्यादा स्टार्स मारे हैं, हम लोग नंबर दो पे हैं, ये लोग नंबर एक पे हैं, और अभी तक इन लोगों ने एक भी अटैक करा नहीं है, और ऊपर से ये हद हो गई यार। चलो चलो भाई सुपर बारबेरियंस निकालो जल्दी से। नाइस, कैटर को निकाल दिया भाई। भाई साहब नेक्स्ट लेवल बेस मिला है भाई हम लोगों को। क्या पता भाई एनिमी वालों का लास्ट में प्लान हो ट्रोजन वॉर करने का, सारे 15 के 15 बंदे एक साथ घुस जाए भाई। ओके फिलहाल तो गाइज ये वाला बेस हम लोगों ने निपटा दिया है। क्या बेस था भाई, मजा आ गया, दिल खुश हो गया ऐसा बेस देख के यार, मजा ही आ गया। अब CWL के अंदर ऐसे बेसिस हम लोगों को मिलने चाहिए। फिलहाल तो भाई बेस के अंदर कुछ बचा है नहीं। ओ ट्रैप्स, ओ माय गॉड, थोड़ी देर पहले मानस ने यहाँ पे आरसी डाली थी, सारे स्केलेटन ट्रैप्स निकल गए थे भाई। लो गाइस ये वाला बेस तो हम लोगों ने निपटा दिया है, यहाँ पे मजा ही आ गया भाई, आर्मी पूरी डालने का मौका भी नहीं मिला हम लोगों को। मैं सोच ही रहा था कि भाई इससे वियर्ड चीज और क्या हो सकती है, अभी देखो भाई मजा आ जाएगा। एक और बेस भाई ऐसा वाला, गलत ही सीन है भाई, ये क्या कर क्या रहे भाई एनिमी वाले, ऐसे बेस क्यों दे रहे भाई, मेरा तो दिमाग घूम गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये इनकी कोई स्ट्रेटेजी है या हमको पागल बना रहे या इनके साथ कुछ सीन हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। ओके भाई साहब ये मैं सेम अटैक नहीं दिखा रहा हूं आपको, अगला अटैक कर रहा हूं सेम बेस के ऊपर, मानस ने भी सेम बेस पे किया था, हम लोग भी सेम बेस पे कर रहे हैं दूसरा अटैक पर सेम तरीके से। भाई साहब गलत गलत गलत, बहुत गलत भाई। चलो भाई ईगल निकाल लो, सुपर बारबेरियन हो जल्दी निकाल लिया। चलो स्कैटर भी निकाल दो भाई जल्दी से, निकाल दो निकाल दो, निकाल दिया, वेरी नाइस। ओके भाई सुपर आर्चर जिंदा बच गई है, पहली बार सुपर आर्चर ब्लिंब के अंदर, देख रहे हो सुपर आर्चर ब्लिम के अंदर सुपर आर्चर तीनों जिंदा बची है। गलत सीन है भाई, अरे भाई साहब खत्म है भाई, ये वाला बेस भी खत्म है, बेस डाल देंगे यहाँ पे भाई। सुपर आर्चर ब्लिम अभी भी चालू है मेरी, देख रहे हो सुपर आर्चर अभी भी रेंज के अंदर है मेरी भाई। यार नेक्स्ट लेवल चीज हो गई यार ये तो, यहाँ पे मजा ही आ गया भाई, एनिमी टीम बौखला गई है, ये पागल हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, पर जो भी हुआ है भाई बहुत सही है। लो दोस्तों ये वाला बेस भी हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है ट्रिपल। भाई यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, CWL खत्म हो चुकी है, अभी रिजल्ट दिखाऊंगा आप लोग शॉक हो जाओगे, ये कैसे हो सकता है भाई, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। ये लो भाई आ जाओ, हम लोग पहुंच चुके हैं चैंप 1 के अंदर, हम लोगों ने पेल दिया एनिमी टीम को, पर ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है भाई। व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस, क्या ये, एक अटैक नहीं करा भाई सामने वालों ने, ये कैसे हो सकता है भाई। ये देखो यहां पे अगर रैंकिंग देखोगे ना, ये देखो इस्कंदर HKH करके क्लैन है, ठीक है देखो इस्कंदर SKH सॉरी HKH, ये देखो इन लोगों ने हर मैच के अंदर भाई हम लोगों से ज्यादा स्टार्स मारे हैं, 37, 37, 37, 36, 36, 34, हमारे सामने जीरो भाई, हद हो गई यार, मतलब क्या ही है, एक बेस भी नहीं मारा इनने ट्रिपल, और हम लोग हो गए रैंक 1 और जीत गए भाई CWL, क्यों नहीं करा भाई इन लोगों ने अटैक, सोच सोच के दिमाग खराब हो गया मेरा। आप लोग कोई आइडिया हो तो भाई कमेंट करके बताना क्या सीन हो गया इनके साथ। तो भाई बस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही है, हमारी काफी अच्छी CWL हो गई है, पिछले CWL की वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। बस भाई मजा आ गया इस CWL के अंदर, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।